उसे मार डाला, मार डाला उसे। हाँ, जानती हो वो कौन था? कौन? ऐसा इंसान जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। कौन? किसे मार डाला तुमने? हाँ, जवाब दो, बताओ किसे मार डाला तुमने? रवि को। रवि को? रवि को तुमने, तुमने रवि को मार दिया? लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने तुम्हारा? तो मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? हा? लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? और तुम इस रेडियो स्टेशन के लोगों को निशाना क्यों बना रहे हो? वक्त आने पर वो भी जान जाओगी। बस अब इंतजार करो, कल रात को दोबारा फोन करूंगा मैं और सुनाऊंगा एक भयानक कहानी। रेडियो जर्नलिज्म के नकली स्टूडेंट्स बनकर हम यहाँ तक तो पहुँच गए, पर क्या हम ताकजाक कर पाएंगे? अरे जब राघव तुम लोग के साथ है तो तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? चल चेक करते हैं। टेप रिकॉर्डर। ये लोग सारे शोज़ इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते होंगे। शायद ये कल रात की टेप हो। चेक करके देखो। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज रिकॉर्ड नहीं है तो क्या हो गया? एटलीस्ट हमें वो नंबर तो मिलना चाहिए जिससे वो आत्मा फोन करती थी। शायद वो नंबर इस कंप्यूटर में हो। चेक करता हूँ। ये वाली कॉल तो आज सुबह ही आई है, रात के 12 बजे का देख। ये क्या, कल रात को आखिरी कॉल 10:30 बजे आई थी, 12 और 12:30 के बीच में कोई कॉल नहीं आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आत्मा किसी नंबर से तो कॉल कर रही होगी ना। पिछले दिन के रिकॉर्ड चेक करो। बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। बड़ी अजीब बात है, ये आत्मा आखिर चाहती क्या है और ये राखी को ही कॉल क्यों कर रही है? सर, प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। अगर हमने ये शो बंद नहीं किया ना तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। राखी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक हिट शो को बंद करने का तुम मतलब जानती हो? लोग हमारे रेडियो स्टेशन को सुनना बंद कर देंगे और लाखों का नुकसान होगा वो अलग। सर, आपको पैसों की पड़ी है और यहाँ लोगों की जाने जा रही है, उसका क्या? अरे किसी की जान नहीं जाएगी। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो सब लोग आज यहीं रुको ऑफिस में, कोई कहीं नहीं जाएगा। सर, अगर उस आत्मा ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया तो ठीक है, कहानी कैंसिल, हम लोगों को कुछ और सुना देंगे, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। कहानी की जगह क्या सर? व्हाट अबाउट चैट शो? चैट शो के बारे में क्या ख्याल? एक काम करते हैं, किसी मेहमान को बुलाओ और उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछो आत्माओं के बारे में, और आज कोई फोन पिक नहीं करेगा। और एक बात, इस ऑफिस से आज कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक ये शो खत्म नहीं हो जाता। क्लियर? यू गाइस कैन लीव। यामिनी, तुम एक काम करो, तुम इस शो में मेहमान बनकर चली जाओ। हाँ, इसी बहाने हमें यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा और फिर हम ये भी जान पाएंगे कि वाकई कोई आत्मा यहाँ पर फोन करती है या नहीं। राखी। यस। हाय, मेरा नाम यामिनी है, ये राघव और ये हर्ष। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? राखी, आप ही का शो आता है ना 12 बजे के बाद? जी। हमने सुना है कि आपके शो में
जो भी कहानियां आती हैं वो सच हो जाती हैं? हाँ जी, और मैं बहुत परेशान हूँ शो को लेकर। देखिए राखी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है, हम आपकी ये कहानियां रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आज मैं आपके शो पर मेहमान बनकर आना चाहती हूँ। आधी रात के बाद में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि आज हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जिससे हम आत्माओं के बारे में बात करेंगे। उसका उसका नाम है यामिनी। यामिनी, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू राखी। अच्छा यामिनी, एक बात बताइए, आपने कभी आत्मा को देखा है? हाँ, मेरा सामना कई बार आत्माओं के साथ हुआ है। आपको डर नहीं लगता? मैंने सुना है कि आत्माएं इंसान को खा जाती हैं। नहीं, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती। ये तो उस आत्मा का ही फोन लगता है। फोन मत उठाना, कोई फोन मत उठाना। बोला था ना कुछ नहीं होगा। तुम लोग खा बखा डर रहे थे। एनीवे, अब तुम लोग एक शो सुनो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। उस आत्मा ने फोन काट दिया, कहीं फोन ना उठाने का अंजाम और भी ज्यादा बुरा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हम आपकी बातचीत जारी रखेंगे यामिनी के साथ, तब तक आप एक गाना सुनिए। कौन है वहां पे? मैं पूछता हूं, कौन है वहां पे? कौन है यहां पे? कौन मजाक कर रहा मेरे साथ? मैं पूछता हूं, कौन है यहां पे? कौन है यहां पे? मजाक मत करो मेरे साथ। कौन है वहां पे? मैं पूछता हूं, कौन है यहां पे? कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? कौन है यहां पे?
रुक ही नहीं रहा। अगर इस कहानी को यहाँ नहीं रोका गया ना तो वो मैनेजर साहब को भी मार देगा। मैनेजर? लेकिन मैनेजर तो बाथरूम क्या हुआ, मैं अभी जाके देखता हूँ। इस कहानी को रोको। इस कंसोल का मेन पावर सप्लाई कहाँ है? अगर ये मौत का प्रोग्राम बंद नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तो ये नौकरी छोड़कर जा रही हूं। मेरा अब इस रेडियो नेशन से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब यहां से जाएंगे। मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, वो इस रेडियो नेशन पे ताला लगाने आ रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ, अगर ये कदम पहले ही उठा लिया होता तो सुरेश के बाद और मौतें नहीं होती आज। चलो चलते। रमेश, रमेश ये लो ये चाबियां, सारे दरवाजे बंद कर दो, जाओ। तो आपका ये रेडियो स्टेशन बंद हो रहा है? हाँ, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आत्मा है कौन और चाहती क्या है। और ये भी कि उस आत्मा ने तुम्हारा शो ही क्यों चुना, लोगों को मारने के लिए। अगर इस बात का जवाब मेरे पास होता ना तो इतने लोगों की मौतें ही नहीं होती। अच्छा तो तुम क्या ये बता सकती हो कि ये शो शुरू करने का आइडिया तुम्हारे पास कहां से आया? वो एक बार मैंने ना रोहित नाम के एक लड़के के बारे में सुना था जो रेडियो के जरिए आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता था। बस मुझे भी वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना हम भी आत्माओं के ऊपर एक ऐसा ही शो करें। तो क्या ये रोहित कामयाब हुआ था? क्या वो रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंच पाया था? वो तो मुझे नहीं पता। क्या आप हमें कहीं से रोहित का एड्रेस दे सकती है? रोहित मर चुका है। रोहित मर चुका है? ये कब हुआ? उस मनहूस रात को जब फिर से वो कोशिश कर रहा था रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंचने की। ये आवाज कैसी? आवाजें दूसरी दुनिया से तो नहीं? हाँ, ये आत्माओं की दुनिया से। मिल गई मुझे। इतनी कोशिशों के बाद ये फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे, जिससे मैं आत्माओं से संपर्क कर सकता हूँ। मिल गई मुझे। मत मारो मुझे। मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या तुम मेरी आवाजें सुन सकते हो? मैं इंसानों की दुनिया से बोल रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आत्माओं से बात करना चाहता हूँ। बस चुप। अरे आत्माओं को परेशान नहीं करते, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? मैं दरवाजा खटखटाती रही पर वो बेचारा खोल ही नहीं पाया। आज भी उसकी चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। वाकई आपके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ। आत्माओं से बात करने के जुनून ने जान ले ली उसकी।
आंटी, क्या आपने रेडियो नेशन नाम के एक रेडियो स्टेशन के बारे में सुना है? वहां पर एक प्रोग्राम आता है रात के 12 बजे, जिसका नाम है आधी रात के बाद। दरअसल उस प्रोग्राम में जो भी डरावनी कहानियां आती हैं, वो कहानियां सच हो जाती हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे पता है। जो आत्मा रोज वहां फोन करती है, वो मेरे बेटे रोहित की ही है। क्या? वो रोहित की आत्मा? हाँ, पहली बार ये आवाज सुन के मैं पहचान गई थी कि ये मेरी रोहित की ही आवाज है। पर रोहित ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पता, शायद उसके साथ जो हुआ है उसी का बदला ले रहा हो। लेकिन वो मासूम लोगों से अपना बदला क्यों ले रहा है? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? नहीं, रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। तोड़ दिया? तोड़ने से पहले क्या आपने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी थी? हाँ, कुछ याद नहीं। हाँ, शायद 87.5। ये तो रेडियो नेशन वाली फ्रीक्वेंसी। इसलिए रोहित की आत्मा रेडियो नेशन के उस प्रोग्राम में आती है और वहां पर काम करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। कितनी अजीब बात है ना, कैसे इंसान अपने गुस्से का बदला उन लोगों पर निकाल देता है जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, जैसे रोहित की आत्मा ने रेडियो नेशन के लोगों के साथ किया। पर यार, गलती तो उन रेडियो वालों की भी है ना, क्या जरूरत थी उस फ्रीक्वेंसी पर जाने की? लेकिन राघव, उन्हें क्या पता था कि उसी फ्रीक्वेंसी में रोहित की आत्मा आएगी और उनके पीछे पड़ जाएगी। चल छोड़ यार, वैसे भी अब वो रेडियो नेशन बंद हो चुका है। आधी रात के बाद में आप सभी लोगों का ये आत्मा स्वागत करती है। हर्ष, 12 बज चुके, रेडियो ऑन करके देखो क्या आ रहा है। चेक करो। आधी रात के बाद में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम का होस्ट भी मैं हूँ। हर्ष, सुनाने वाला भी ये आवाज तो रोहित की है ना? शायद रोहित की आत्मा ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। पता नहीं यार, इस बार किसकी मौत लिखी है इस कहानी में? ये कहानी है एक रेडियो चौकी की, जो अपने ऑफिस में कुछ जरूरी कागज भूल गई है। अब वो उन्हें लेने जा रही है। अकेली काले रंग के बैग से वो ऑफिस की चाबी निकालती है। काले रंग का बैग? काले रंग का बैग तो राखी के पास भी है, कहीं है उसकी बात तो नहीं कर रहा? हमें राखी को बचाना होगा। पर कैसे हर्ष? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, रेडियो नेशन के टावर को हमें तोड़ना ही होगा, तभी जाके वो आत्मा गायब होगी। मैं एक काम करता हूँ, यामिनी को फोन करके रेडियो नेशन बुला लेता हूँ। रोहित की आत्मा वापस आ गई है और आज रात को वो राखी को अपना शिकार बनाने वाली है। क्या? हाँ, तुम दोनों ऐसा करो, तुम जाकर राखी को ढूंढो, मैं ऊपर जाकर ट्रांसमिटर टावर तोड़ता हूँ।
अब राखी को बचाने का बस एक ही तरीका है, इस एंटीना टावर को तोड़कर रेडियो की फ्रीक्वेंसी चली जाएगी और वो आत्मा राखी तक नहीं पहुंच पाएगी। लाइट्स को क्या हो गया? टॉर्च कहाँ रख दिया? ये फाइल है। तुम दोनों ने चीख सुनी? ये चीख राखी की है। लगता है लाइट ट्रिप हो गई। मैं जाके मास्टर से चेक करता हूँ, तुम दोनों ढूंढो। तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक छत पे लगे हुए एंटीना टावर को हम तोड़ नहीं देते। वक्त बहुत कम है यार, हमें जल्द से जल्द वो एंटीना टावर तोड़ देना चाहिए इससे पहले कि वो आत्मा आकर इसे फिर से मारने लगे। ठीक है, चलो क्या मैं लेकर आऊं? जल्दी करते यार, आत्मा कभी भी वापस आ सकती।
तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, अब वो आत्मा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। हे, यामिनी कहाँ है? यामिनी, वो मुझे बचाने के लिए खुद आत्मा का सामना कर रही है। क्या? यामिनी! यामिनी, तुम ठीक तो हो? हर्ष, राखी, यामिनी, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? यामिनी, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। वो आत्मा ट्रांसमिटर तोड़ने के बाद वो आत्मा चली गई। रोहित की आत्मा उसी फ्रीक्वेंसी के जरिए इस धरती पर आई थी। हर्ष, हमें बाकी सारी रेडियो स्टेशन में ये बता देना चाहिए कि आइंदा गलती से भी उस फ्रीक्वेंसी पर ना जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।